तेजस्वी ने चुनावी रैली में कहा, पीएम मोदी को लालू प्रसाद ही दे सकते हैं चुनौती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर में सभा की। कटिहार में कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर, पूर्णिया में कांग्रेस प्रत्याशी उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह तो भागलपुर में आरजेडी प्रत्याशी बोलो मंड के समर्थन में उन्होंने जनता को संबोधित किया। इन सभाओं में उन्होंने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, वहीं मंत्री गिरिराज सिंह पर भी तलख टिप्पणी की। उन्होंने इस चुनाव को देश और संविधान को बचाने का चुनाव बताया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, काम के लिए बाहर जाने वाले मजदूरों का जीवन भी सुरक्षित नहीं है। राजनीति में पीएम मोदी को लालू प्रसाद यादव ही चुनौती दे सकते हैं। प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 15-15 लाख रुपए देने का जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। 2-3 लाख रुपए भी बेरोजगारों को मिल जाता तो वो रोजगार कर लेते, नहीं तो कम से कम पकौड़े का ही दुकान का खोल देते। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह देश सभी धर्म वर्ग समुदाय के लोगों का है, यह देश भाईचारे एवं एकता से चलेगा। उन्होंने कहा कि जानबूझकर उनके पिता लालू प्रसाद को साजिश के तहत फंसाया गया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पहले चाय वाला बनते हैं और फिर वो चौकीदार बन जाते हैं, किंतु बिहार की जनता थानेदार है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन आज शराब की होम डिलीवरी हो रही है। बालूबंदी से गरीबों को दुगनी दर पर बालू खरीदनी पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।